हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपिका। स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बीटरूट यानी चुकंदर के बारे में। वैसे तो आपने कई वीडियो देखी होगी जिसमें चुकंदर के फ़ायदे के बारे में बताया जाता है, लेकिन दोस्तों आज मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आई हूँ जिसमें चुकंदर के फ़ायदे और नुकसान दोनों के बारे में मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए जानते हैं चुकंदर के बारे में। दोस्तों, चुकंदर का इस्तेमाल सलाद और जूस के रूप में किया जाता है। लाल रंग का होने के कारण इसे खून को बढ़ाने वाला भी माना जाता है। इसमें सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आयोडीन, आयरन, कैल्शियम, विटामिन बी, विटामिन बी वन, विटामिन बी टू, विटामिन सी आदि भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। चुकंदर एक ऐसी सब्जी या फल है जिसे खाने में सबसे ज़्यादा फायदे होते हैं। इससे मिलने वाले फ़ायदे के लिए दोस्तों लोग लाखों रुपये खर्च करते हैं। चुकंदर का फल ही नहीं बल्कि इसके पत्ते भी बहुत लाभकारी होते हैं। तो चलिए जानते हैं चुकंदर के कुछ फ़ायदे के बारे में। दोस्तों, चुकंदर हमारे शरीर में खून बढ़ाता है। इसमें आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाने में भी बहुत मदद करता है, जिससे अनीमिया रोगियों को बहुत फ़ायदा मिलता है। चुकंदर में अच्छी मात्रा में फाइबर पाया जाता है, इसलिए ये कब्ज और गैस और एसिडिटी को भी दूर करता है। रात को सोने से पहले एक चुकंदर का जूस पीने से पेट से संबंधित सारी परेशानी दूर हो सकती है। पुराने ज़माने में चुकंदर का इस्तेमाल सेक्स पावर को बढ़ाने के लिए भी किया जाता था। चुकंदर में प्रचुर मात्रा में बुरान पाया जाता है, जो सेक्स हार्मोन को बढ़ाने में मदद करता है। नियमित रूप से चुकंदर खाने से पीरियड्स खुल के आते हैं और इसके दौरान होने वाला दर्द भी नहीं होता या पीरियड्स के दौरान होने वाली सुस्ती को भी दूर करता है। चुकंदर में कोलिन नामक का पोषक तत्व पाया जाता है, जो हमारी याददाश्त को बढ़ाता है और इसके साथ ही हमारे दिमाग को भी तेज करता है। दोस्तों, चुकंदर दिमाग में ऑक्सीजन के सर्कुलेशन को बनाए रखता है, जिससे ब्रेन में ब्लड का सर्कुलेशन ठीक रहता है। चुकंदर प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। यदि आप अधिक थकान महसूस करते हैं तो चुकंदर के सेवन से आपको बहुत लाभ मिलेगा। यह शरीर में एनर्जी बढ़ाता है। एक रिसर्च के अनुसार पता चला है कैंसर रोगियों को चुकंदर का सेवन करने से बहुत लाभ होता है। चुकंदर का जूस पीने से बवासीर के रोगियों को भी बहुत लाभ होता है। दोस्तों, अगर आप मोटापे से परेशान हैं और अपना वजन कम करना चाहते हैं तो आप चुकंदर बहुत मददगार साबित हो सकता है। चोट लगने या मूंछ आने पे चुकंदर की पत्ती को पीस कर लगाने से बहुत लाभ मिलता है। कच्चा चुकंदर खाने से पीलिया के रोगियों को भी बहुत आराम मिलता है। चुकंदर को एंटी एजिंग के लिए एक महत्वपूर्ण और कारगर फार्मूला माना गया है। यह शारीरिक कोशिकाओं को तरोताज़ा रखने में सहायक होता है। चुकंदर के जूस को हिना के साथ मिलाकर लगाने से बालों का अच्छा कलर किया जा सकता है। चुकंदर की पत्ती को पीसकर बालों में लगाने से बालों के झड़ने की समस्या से मुक्ति मिल जाती है। चुकंदर हमारे नाखून को मजबूत बनाता है। इसके अलावा दाद, खाज, खुजली में भी चुकंदर का रस बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो दोस्तों, ये थे चुकंदर के कुछ फ़ायदे। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ किन लोगों को चुकंदर का सेवन नहीं करना चाहिए। वैसे तो दोस्तों कोई शक नहीं है, चुकंदर के बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन आप चुकंदर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपको कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। तो मैं आपको बता रही हूँ किन लोगों को चुकंदर का सेवन नहीं करना चाहिए। चुकंदर के अधिक सेवन से ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। चुकंदर ज़्यादा इस्तेमाल करने से किडनी में पथरी की समस्या होने का भी खतरा रहता है। दोस्तों, चुकंदर का जूस ज़्यादा पीने से शुगर की परेशानी हो सकती है। चुकंदर को ज़्यादा खाने से आपको दस्त की समस्या को भी सामना करना पड़ सकता है। चुकंदर के अधिक इस्तेमाल से आपको डायरिया और मितली जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, चुकंदर को इस्तेमाल करें अपने स्वास्थ्य के हिसाब से। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।